नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेपीजी से पीडीएफ फाइल आप कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना कोई भी, और उसमें आपको गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद आपको सर्च करना है, तो आपको सर्च में वेबसाइट का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेपीजी टू पीडीएफ और यहाँ पर हम करेंगे इंटर। इंटर करने के बाद हमारे पास बहुत सारी हमें वेबसाइट मिल जाएंगी। तो हमें क्या करना है, इस तीसरे नंबर की वेबसाइट यहाँ पर लिखा है जेपीजी और जो नंबरिंग का टू होता है वो लिखा है और pdf.com लिखा है, इस वाली वेबसाइट पर हमें क्लिक करना है। और अब हमने इस पर क्लिक कर दिया, ये अभी लोडिंग ले रहा है और ये ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपलोड फाइल का ऑप्शन आ गया है, तो हमें यहाँ पर अपनी जेपीजी फाइल अपलोड करना है। तो हम यहाँ से, ये हमारा एक टेम्पलेट है, इसे हम अपलोड कर देते हैं। तो ये अभी हमारा फ़ोटो में है, तो ये देखिए हम इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये अभी हमारा एक फ़ोटो में है, तो हम इसे यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो ये हमने कर दिया, अब ये अपलोडिंग हो रही है देखिए। और अपलोडिंग होने के बाद ये देखिए, अब कन्वर्टिंग होने लगी, ये कन्वर्टिंग हो गई कम्प्लीट। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पर सिंपली से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, लगभग 30 सेकेंड, और ये हो जाएगा डाउनलोड। तो देखिए अभी ये कंप्लीट हो चुका है कुछ ही देर में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा दिखेगा। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है कंप्लीट। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे इसे शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर करने के बाद हमें ये दिख जाएगा सबसे ऊपर, तो हम इस पर क्लिक क्या करेंगे, अभी तो देखिए इसका फॉर्मेट जो है हमें पीडीएफ दिख रहा है। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे हम ओपन विथ करेंगे। तो ओपन विथ करने पर हमें क्या होगा कि यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल पीडीएफ को ओपन करने के दिखेंगे। जैसे सबसे पहले आ रहा है अडोब फोटोशॉप, उसके बाद अडोब रीडर, फिर उसके बाद ब्राउज़र के नेम दे रहे हैं। तो यहाँ से हम इसे क्या कर लेंगे, अडोब रीडर, इस पर हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो था हमारा पीडीएफ बन के तैयार हो गया। इस तरीके से आप फ्री में बिल्कुल ऑनलाइन जेपीजी को पीडीएफ बना सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।